हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्रोवाइडर। अभी हम आपको 3 BHK का फ्लैट दिखाने के लिए आए जो कि 1435 स्क्वायर फीट में बना हुआ 3 BHK का बेहतरीन लोकेशन में बना हुआ है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए, ये आपका 3 BHK का फ्लैट है जो कि आपका मेन एंट्रेंस गेट यहां से है। आपका एंट्रेंस गेट है, यहां से आप एंटर करते हैं। ये देखिए, ये कॉरिडोर का एरिया हो गया, सामने में आपका सीढ़ी हो गया, एक लिफ्ट का एरिया यहां है और एक लिफ्ट और सीढ़ी इस लोकेशन में है। लिफ्ट चालू है ऑलरेडी, G+4 की बिल्डिंग है। अभी हम आपको लिफ्ट का एरिया और सीढ़ी का एरिया भी दिखाने जा रहे हैं। पटना जंक्शन से मात्र 4 किलोमीटर का डिस्टेंस पे ये फ्लैट है। ये देखिए, ये आपका लिफ्ट है और यहां पे सीढ़ी का एरिया हो गया। पटना जंक्शन से मात्र 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहां से पटना डोबी नया जो 4 लेन निकली है, ये आपका मुश्किल से 400 से 500 मीटर का डिस्टेंस पे है। और नत्थुपुर जो गोलंबर बन रही है, ये आपका जस्ट बगल में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे, जो कि लगभग 3200 बीघे में बनने जा रही है। और यहां से पटना बक्सर 4 लेन निकल रही है जो कि आपके 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे निकल रही है। और सिपारा जो है 4 लेन गया हुआ है, वो आपका यहां से मात्र 500 मीटर का डिस्टेंस पे। ये देखिए, फ्लैट में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। ये आपका कॉमन एरिया है और ये देखिए आपका ड्रॉइंग हॉल का एरिया है। चौदह बाई दस का आपका ड्रॉइंग हॉल का एरिया है, देख रहे हैं आपका 14 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा आपका ड्राइंग हॉल का एरिया है। बिल्कुल ही सेपरेट ड्राइंग हॉल का एरिया है, यहाँ पे आपका दरवाजा दिया हुआ है और ये आपका डाइनिंग स्पेस है। डाइनिंग हॉल के स्पेस की बात करेंगे तो ये आपका 16x8 का है, 16 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा आपका डाइनिंग हॉल है और ये बिल्कुल ही स्पेसियस और लाइटेड फ्लैट है। देखिए, यहां पे आपका कुछ कॉमन स्पेस दिया हुआ है, ये आपका किचन का एरिया हो गया। नौ फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा आपका किचन है, देख सकते हैं बिल्कुल ही लाइटेड और हवादार फ्लैट है। ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फ्लैट कंप्लीट है, वायरिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक से 1.5 महीने में ये फ्लैट कंप्लीट करके आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। और ये देखिए, ये आपका कॉमन टॉयलेट का एरिया हो गया। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और किसी भी लोकेशन में प्रॉपर्टी की नीड है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा। हम लोग हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको वो प्रॉपर्टी हम लोग प्रोवाइड करा सके। और ये देखिए, ये आपका रूम हो गया, बेडरूम हो गया, पहला बेडरूम हो गया। इस बेडरूम की साइज की बात करेंगे तो 12 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा आपका बेडरूम है, बिल्कुल ही स्क्वायर में ही आपका बेडरूम है। और ये देखिए, ये विंडो का एरिया है। साउथ वेस्ट कॉर्नर फ्लैट है। ये देखिए, ये आपका दूसरा बेडरूम हो गया। इस बेडरूम के साइज की बात करेंगे तो 12x10 का ये रूम हो गया आपका। इस बेडरूम के साथ अटैच आपका एक बालकोनी है, ये देखिए। ये 100% रेसिडेंशियल एरिया में है, जस्ट यहां इसके बगल में आपका पटना डोबी 4 लेन हो गया,
नाथूपुर गोलंबर हो गया, और ये देखिए सामने में ही आपका राधा कृष्ण मंदिर है, जस्ट ये गाड़ी दिख रही है, ये राधा कृष्ण मंदिर है 70 फीट रोड जो IOC में चली जाती है, जस्ट बगल में आपका IOCL है इंडियन ऑयल का। विधानसभा यहां से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। सचिवालय आपको 2.5 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। ये देखिए मास्टर बेडरूम हो गया। बारह बाई दस का ये मास्टर बेडरूम हो गया, जिस रूम के साथ अटैच है कि आपका कवर्ड बालकोनी हो गया, और ये आपका बाथरूम का एरिया हो गया। और ये देखिए ये आपका मास्टर बेडरूम है। इस मास्टर बेडरूम के साथ सबसे बड़ी फ्लैट के साथ प्लस पॉइंट है कि यहां पे दो दो गेट है, मास्टर बेडरूम में दो गेट है। एक आपका ये जो बाहर की ओर निकल जाती है जस्ट आपका कॉरिडोर की ओर, और एक आपका डाइनिंग हॉल की तरफ निकलती है। तो बिल्कुल ही सेपरेट मास्टर बेडरूम है। अगर आपका कोई भी गेस्ट आते हैं तो आप यहाँ पे स्टे करा सकते हैं। हालांकि आपको गेस्ट को स्टे कराने के लिए ये भी बिल्कुल सेपरेट है, ड्राइंग हॉल का एरिया भी आपका बिल्कुल सेपरेट है। या तो किन्हीं के छोटा फैमिली है तो 2 रूम के फ्लैट में वो रह सकते हैं, 1 रूम का आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। या कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो 1 रूम अपने पास रख के 2 रूम का फ्लैट को आप रेंट आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन फ्लैट है। तो जिनको भी ये फ्लैट पसंद आ रहा है, यानी कि बाईपास लोकेशन में सरिस्ताबाद के बगल में ये मात्र फ्लैट है, 800 मीटर का डिस्टेंस बाईपास से है। तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पे एक बार कॉल कीजिए, साइट विजिट कीजिए। और हाँ, वीडियो क्लास तक बने रहिए। आपको अभी हम पार्किंग का भी एरिया दिखाने जा रहे हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये देखिए ये बिल्डिंग का फ्रंट व्यू है, ये मेन एंट्रेंस गेट हो गया, ये रास्ता हो गया। ट्रांसफार्मर ऑलरेडी लगा हुआ है। ये देखिए फ्रंट व्यू है। ये पार्किंग का एरिया हो गया। ये एक सीढ़ी हो गया। फिनिशिंग का वर्क चल रही है, ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है। ड्रेनेज सिस्टम बनने के बाद पार्किंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपका सीढ़ी का एरिया हो गया। सत्तर फीट बाईपास के पास ये फ्लैट है। ये देखिए ये लिफ्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, चालू है, लिफ्ट चालू है, कुछ लोग रहना स्टार्ट कर दिए हैं यहां पे। तो जिनको भी ये फ्लैट पसंद है, लेना चाह रहे हैं, पटना जंक्शन से मात्र 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लेना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे एक बार कॉल कीजिए, साइट विजिट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.